प्रमेय छ, एस 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 यानी भुजा 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 समरूपता प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम प्रमेय छः पे बात करने जा रहे हैं, जिसे आप एस 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 या भुजा 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 प्रमेय के नाम से जानते हैं। इस प्रमेय में दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात हो रही है और हम ये कह रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आप देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज आपके सामने बने हुए हैं। त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज डी ई एफ है। इसमें हमें दिया हुआ है कि इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, यानी ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। बी सी बटे ई एफ, एक बार ठीक से देख ले इसे। ए बी भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की डी ई भुजा, फिर पहले त्रिभुज की ए सी भुजा और दूसरे वाले त्रिभुज की डी एफ भुजा, फिर पहले त्रिभुज की भुजा बी सी और दूसरे त्रिभुज की भुजा ई एफ। तो इनके बीच जो अनुपात है वो आपस में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। ये एक हमारा पहला और महत्वपूर्ण कथन है, इसे आप याद रखेंगे, इसे ध्यान में रखेंगे। तो ये बात हमें दी हुई है और हमें सिद्ध करना है। ये दोनों त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, ये हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें दो तीन हिस्से हैं। पहले तो हम इस त्रिभुज कि कुछ हिस्सों को यहाँ पर रचना के रूप में लेंगे और हम इसके जैसे एक त्रिभुज की यहाँ रचना करने की कोशिश करेंगे और उन दोनों त्रिभुजों को हमको बीच में सर्वांगसम भी सिद्ध करना होगा और जो त्रिभुज यहाँ पर बनेगा उसको इस बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं इस प्रमेय के। तो हम यहाँ पर एक बिंदु पी इस तरह से लेते हैं कि वो ठीक ए बी के बराबर हो। ये हमने बिंदु पी लिया यहाँ पर जो ए बी के बराबर है। तो हम इसे रचना के अंतर्गत लिखते हैं। रचना में हमने बिंदु पी डी ई पी इस प्रकार लिया कि डी पी ए बी के बराबर है, या आप लिख सकते हैं ए बी बराबर डी पी। और ठीक उसी तरह से एक बिंदु क्यू यहाँ पर इस तरह से लिया भुजा डी एफ पर कि वो ए सी के बराबर हो। तो आप लिख सकते हैं ए सी बराबर डी क्यू। फिर से देख लीजिए आप, हमने यहाँ पर बिंदु P इस प्रकार लिया डी ई पर कि जो डी पी है वो ए बी के बराबर हो। तो हमने लिखा ए बी बराबर डी पी। और ठीक इसी तरह से बिंदु Q हमने यहाँ पर डी एफ पर इस प्रकार लिया कि डी क्यू ए सी के बराबर हो। तो हमने इसे लिखा कि ए सी बराबर डी क्यू। ये हमने रचना की। और रचना में एक काम हमने और किया कि P और Q को आपस में मिला दिया। चलिए ये वाला भी काम कर लें हम, P और Q को इनको आपस में मिलाएं हम। तो एक और भुजा बनती है, इसे हम इस कटी हुई लाइन से मिला दें तो हमें ध्यान रहेगा हमने इसकी रचना की है। तो अब देखिए, ऐसा करने पर आपको एक नया त्रिभुज DPQ मिल रहा है। इस DPQ की मदद से हमें दो तीन काम करने होंगे, क्रमशः आगे देखते जाइए आप। तो अब आप देखिए कि त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ में चूंकि एक संबंध हमें यहाँ पर मिला हुआ है और इस संबंध में आप देख रहे हैं कि ए बी और डी का जो अनुपात है वही अनुपात ए सी और डी एफ का है। तो यहाँ पर हम ए बी और ए सी को क्रमशः डी पी और डी क्यू से रिप्लेस करेंगे। तो हम इतने हिस्से को यहाँ से उठाएं और नीचे लिखें, वो पत्ती वाले हिस्से में हम आ रहे हैं, इस वाले हिस्से को हम यहाँ से लें
ए बी बटे डी ई बराबर ए सी बटे डी एफ हमें ये दिया हुआ है, और यहाँ पर आपने ए बी की जगह पर डी पी रचना की है, तो ए बी को आप इस डी पी से रिप्लेस करिए तो आपको मिलेगा डी पी बटे डी ई बराबर ए सी। यहाँ जो ए सी है आप देखिए, ए सी को आपने डी क्यू के बराबर किया है, तो ए सी के जगह पर आप लिखिए डी क्यू, तो डी क्यू बटे डी एफ। यही कथन आपको इस नए रूप में मिल रहा है, और आपने क्या किया, ए बी की जगह पर डी पी लिखा और ए सी की जगह पर डी क्यू लिखा, क्योंकि आपने यहाँ पर वो लिया हुआ है। अब ऐसा करने पे आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, डी पी बटे डी ई मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है डी क्यू बटे डी एफ। जो अनुपात आपको इस त्रिभुज, इस बड़े त्रिभुज में मिल रहा था, उस अनुपात को आप इन दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको रूपांतरित करें, इसको उल्टा करके लिखें, इसे हम लिखते हैं डी बटे डी पी बराबर डी एफ बटे डी क्यू। कोई बड़ा काम आपने नहीं किया यहाँ पर, बस इसको व्युत्क्रम लिया आपने, डी पी बटे डी ई था उसे आपने डी ई बटे डी पी किया, और जो डी क्यू बटे डी एफ था उसे आपने डी एफ बटे डी क्यू कर दिया। अब इन दोनों, इस समीकरण में आप दोनों पक्षों में यदि एक एक घटाते हैं तो क्या होता है, इसे देखिए आप, डी ई बटे डी पी माइनस वन बराबर डी एफ बटे डी क्यू माइनस वन। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा डी ई माइनस डी पी बटे डी पी बराबर, यहां आपको मिलेगा डी एफ माइनस डी क्यू बटे डी क्यू। ये तो आपने गणितीय रूप से यहां पर सिद्ध किया, लेकिन पिक्चर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए हो क्या रहा है, डी पी डी ई माइनस डी पी, डी ई माइनस डी पी, फिर से देखिए आप डी ई माइनस डी पी, डी ई पूरी यहां से यहां तक की लंबाई है, और आप उसमें से डी पी को निकाल रहे हैं तो आपके पास पी ई बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, इस पूरे के बदले आप लिखेंगे यहां पर बराबर पी ई बटे डी पी। ठीक इसी तरह से आप इसको देखिए, डी एफ माइनस डी क्यू, डी एफ माइनस डी क्यू यदि आप लिखते हैं तो आपको मिलता है क्यू एफ, तो आप इसको लिख लें क्यू एफ बटे डी पी, जो हर में है उसे आप उसी तरह से लिखें, सॉरी यहां पर डी क्यू है, ये डी क्यू है, ये डी एफ माइनस डी क्यू के बदले आपको क्यू एफ मिला, और बटे में डी क्यू था ये आपने लिखा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आपको मिल रहा है, इसको आप गौर से देखिए, यहां आपको मिल रहा है पी ई बटे डी पी, और यहां आपको मिल रहा है क्यू एफ बटे डी क्यू। अब आपको वापस मैं लेके चलता हूं, आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा था, और उसमें आपने ये देखा था कि यदि कोई भुजा या कोई रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची जाती है तो वो शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर बराबर अनुपात में भुजाएं बांट रही हैं, बिंदु पी और बिंदु क्यू, यानी ये जो रेखा पी क्यू है वो इस पूरी भुजा को दो बराबर हिस्से में बांट रही है। देख रहे हैं आप यहां पर P बटे डी पी मिल रहा है आपको, P बटे डी पी मिल रहा है, जो बराबर है क्यू एफ बटे डी क्यू के। तो थेल्स थ्योरम में जो आपने पढ़ा था कि एक रेखा यदि किसी भुजा के समानांतर खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती, यह उल्टा हो रहा है, यहां पर ये रेखा इनको दो बराबर अनुपात में बांट रही है। तो थेल्स थ्योरम के विलोम के रूप में आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से जो भुजा पी क्यू है वो ई एफ के समानांतर होगी। तो आप यहाँ से उस परिणाम पे पहुँचते हैं कि ऐसी स्थिति में ये बात तभी संभव होगी जब पी क्यू ई एफ के समानांतर होगा। तो इस कथन को आप लिख लें यहाँ पर कि यहाँ हमको जो रिजल्ट मिल रहा है कि पी एफ समानांतर पी क्यू समानांतर ई एफ के, पी क्यू समांतर ई एफ के,
ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इस परिणाम को हम अपने ध्यान में रखें और थोड़े से हिस्से को मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसे बढ़ते हैं। ये जो परिणाम हमें मिला है इसको हम अलग से लिख लें कि पी क्यू समांतर है ई एफ के। अब इसे हम यहां से हटा दें ताकि इसके आगे काम हम यहां कर पाएंगे। अब देखिए ये पी क्यू ई एफ के समानांतर यदि है तो समानांतर होने के कारण ये जो कोण है जिसे हम कोण P कह सकते हैं वो कोण E के बराबर होगा। वो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये PQ EF के समांतर है और तिर्यक रेखा DE उन्हें काट रही है, तो ये जो दोनों कोण बनेंगे वो संगत कोण होंगे, इसलिए आपस में बराबर होंगे। ठीक इसी तरह से आप कह सकते हैं कि कोण Q कोण F के बराबर है, क्योंकि इन दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा DF काट रही है, इसलिए कोण Q और कोण F संगति कोण होंगे और आपस में बराबर होंगे। तो इस परिणाम को आप लिखें कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। तो ये परिणाम जब आपको मिलेगा तो आप देखें कोण P और कोण Q त्रिभुज DPQ के हिस्से हैं, और उसी तरह से कोण E और कोण F त्रिभुज DEF के हिस्से हैं। और यदि इन्हें दो त्रिभुजों में यदि दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इन दोनों परिणामों के आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज डीपीक्यू समरूप है बड़े वाले त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज DEF के। अब फिर से एक बार देख लीजिए, आपने सबसे पहले इन दोनों को समानांतर सिद्ध किया और समानांतर होने की वजह से आपने कोण P को कोण E के बराबर बताया और कोण Q को कोण F के बराबर बताया, और ऐसी स्थिति में त्रिभुज DPQ को त्रिभुज DEF के समरूप सिद्ध किया। और ये भी आपका एक महत्वपूर्ण कथन है, इसको आपको याद रखना होगा, ये हमने एक कथन के रूप में लिख लिया। अब आप देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया। अब इस समरूपता के बाद हमें देखना है कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो आगे इसके साथ हम क्या काम करें। तो वापस हमको इन दोनों छोटे त्रिभुजों पर ध्यान देना पड़ेगा ए बी सी और डी पी क्यू के। जो कथन हमें यहाँ पर मिला था उसको एक बार फिर से हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए इसको हम फिर से लिखते हैं ए बी बटे डी ई दिया हुआ था, इसको हम ले ए बी बटे डी ई ये हमें दिया हुआ था, और दूसरा कथन था बी सी बटे ई एफ के। अब हम इसको इसके साथ ले रहे हैं, ये बी सी बटे ई एफ ये हमें प्रश्न में दिया हुआ था, और अभी आपने सिद्ध किया कि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं, तो यहां पर आपको मिल सकता है कि डी पी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ, पी क्यू बटे ई एफ। ध्यान दीजिए पहले हमने इसकी इसके साथ तुलना की थी, इसकी इसके साथ तुलना की थी, अब हम इन दोनों भुजाओं को इन दोनों भुजाओं के साथ ले रहे हैं और दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं। इस छोटे त्रिभुज एबीसी को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, और इस त्रिभुज को भी इसके साथ तुलना कर रहे हैं, तो हमको दो परिणाम मिल रहे हैं। पहले वाला परिणाम हमको इसके और इस बड़े त्रिभुज के बीच मिल रहा है, जो आपको यहां से मिला ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, ये आपने पहले जो कथन दिया हुआ था वहां से लिया, और यहां जो आपने त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया वहां से आपने लिया ये डी पी बटे डी ई पूरा का पूरा पूरी भुजा और पी क्यू बटे ई एफ लिया। अब आप देखिए आपने पहले सिद्ध कर लिया है कि ए बी और डी पी आपस में बराबर थे, तो इस डी पी को आप ए बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा कथन आपको दोबारा इस तरह से मिलेगा, डी पी और ए बी चूंकि बराबर हैं तो इस डी पी को हम ए पी से ए बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हमको मिल रहा है ए बी बटे डी। हम इस पूरे को फिर से लिख रहे हैं लेकिन सिर्फ डी पी को ए बी से बदल कर लिख रहे हैं, तो हमको मिला ए बी बटे डी बराबर
पी क्यू बटे ई एफ। अब आप देखिए यहां ध्यान दीजिए, आप आपको मिल रहा है ए बी बटे डी ई बराबर पी क्यू बटे ई एफ, और यहां पर आपको मिला हुआ है ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। आप देख रहे हैं कि बायां पक्ष ए बी बटे डी यहां पर है और ये ए बी बटे डी यहां पर है, इसका मतलब है जो दाहिने पक्ष आपस में बराबर होंगे। यदि आप सिर्फ दाहिने पक्ष को ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा, यहां से आपको मिल रहा है पी क्यू बटे ई एफ बराबर यहां से मिल रहा है बी सी बटे ई एफ। अब देखिए इन दोनों भिन्नों में जो आपस में बराबर हैं, आपका हर एक बराबर यानी अंश भी बराबर होगा, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपको यहां से मिल रहा है पी क्यू बराबर है बी सी के, पी क्यू बी सी के बराबर है। अब आप देखिए यहां पर क्या है, ये जो पी क्यू है वो बी सी के बराबर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम है जो आपको दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने में मदद करने वाला है। आपने पहले ही ए बी के बराबर डी पी की रचना की थी और ए सी के बराबर डी क्यू की रचना की थी, और अभी आप सिद्ध कर रहे हैं कि जो पी क्यू है वो बी सी के बराबर है, यानी बी सी पी क्यू के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में आपको बहुत महत्वपूर्ण परिणाम मिलने जा रहे हैं। आपको पहले से पता है कि ए बी और डी पी बराबर है, ए सी और डी क्यू बराबर है, ये रचना से आपने कहा है, और अभी आपने प्रूफ किया कि बी सी पी क्यू के बराबर है, और इस कारण आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी पी क्यू के सर्वांगसम है। तो आप इस बात को लिख लें कि इसलिए यहां से आप आगे जा रहे हैं, ये चीज आपको मदद कर रही है सर्वांगसम कहने के लिए। तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के, और यदि ये सर्वांगसम है तो आप कह सकते हैं दोनों समरूप भी हैं। तो आप फिर से लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू समरूप भी हैं। अब देखिए आप अपने परिणाम के लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं, आपने डी पी क्यू और डी ई एफ को पहले समरूप सिद्ध कर लिया है, डी पी क्यू और डी ई एफ ये आपने समरूप सिद्ध किया है, और अभी आप कह रहे हैं कि ए बी सी डी पी क्यू के समरूप है, माने डी पी क्यू ए बी सी के समरूप है, तो ये अकेला त्रिभुज इसके भी समरूप है और इस बड़े त्रिभुज के भी समरूप है, इसलिए परिणाम था आप कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज भी आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे। तो इस कथन को आप लिखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, और यही आपको सिद्ध करना था।